अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेड वर्जन्स और आज आपके लिए मैं एक और न्यू वीडियो लेकर आया जिसमें मैं हार्डवर्क परमिट के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो आपने अंत तक देखनी है। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा हार्डवर्क परमिट कैसे फिल करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं और किस तरह एक फॉर्मेट नज़र आता है परमिट्स का, हार्डवर्क का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें सारे परमिट्स की बताया था कि कौन कौन सी परमिट्स की टाइप्स होती हैं और अब मैं हर एक की डिटेल बता रहा हूँ इन वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट परमिट की जो वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आप मेरी वीडियोज में जाकर मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं इसकी परमिट्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास आ गया हार्डवर्क परमिट। दोस्तों सबसे पहले हमारा लिखा होता है ये ऊपर प्लांट नेम और कंपनी नेम लिखा होगा, उसके बाद ये साइड पे जो होगा इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये डॉक्यूमेंट नंबर होगा, उसके बाद ये रिवीजन होगी कि कितनी रिवीजन हमारा परमिट जो है चेंज हुआ होगा, उसके बाद रेफ डेट आ जाती है, इसके बाद ये आ जाता है रेफरेंस डॉक्यूमेंट SOP हमारे आ जाते हैं, उसका नंबर जो भी होगा वो परमिट का हर एक का डिफरेंट होता है। उसके बाद ये हमारा परमिट नंबर आ जाता है, उसके बाद ये हार्डवर्क आ जाता है, हार्डवर्क परमिट है हमारा तो ये हार्डवर्क लिखा है इसके ऊपर। उसके बाद नंबर हम आ जाते हैं, आप इसको कैसे फिल करना है, क्या क्या कौन सी जगह पे क्या लिखना है। तो ये दोस्तों सबसे ऊपर लिखा हुआ है दिस परमिट सेक्शन डिपार्टमेंट, ये लिखा हुआ है दिस परमिट सेक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ आपने अपना सेक्शन लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है कि कौन सा परमिट हमने कौन से सेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद टू डू दी फॉलोइंग, फॉलोइंग पे आपने अपने परमिट की डिटेल लिखनी है, यहाँ पर आपका जिस के लिए परमिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने डिटेल लिखनी है। उसके बाद लोकेशन इक्विपमेंट डिटेल आ जाती है, लोकेशन इक्विपमेंट डिटेल में आपने अपनी लोकेशन लिखनी है, अपने अगर किसी इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं तो उसका डिटेल लिखनी है। उसके बाद ये आपका ऑप्शन आ जाता है जॉब कैरियर जॉब साइट विजिट कैरी आउट बाई ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी, आपकी ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी जो होती है वो आप उसने जॉब की जो विजिट करना होता है उसको यस कर सकता है अगर उसने कर लिया, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो नो कर दे। उसके बाद वैलिडिटी आ जाती है, वैलिडिटी दोस्तों इसमें तीन ऑप्शन हो जाते हैं नाइट मॉर्निंग इवनिंग, ये हमारा जो है वैलिडिटी एक दिन की 24 घंटे के लिए होती है और 24 घंटों में 8-8 घंटों के लिए ये तीन शिफ्टें आ जाती हैं। उसके बाद ये सारी ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी में आ जाती हैं। उसके बाद नंबर एक ए पे आ जाता है एक्शन एंड कंडीशन, ये हमारी जो है कंडीशन लिस्ट होती है इसको आपने फिल करना होता है। इसके सबसे पहले आ जाता है वेंटिलेशन सफिशिएंट, इसको आपने यस ही करना होता है क्योंकि वेंटिलेशन सफिशिएंट होगी तो आप काम करेंगे। उसके बाद डिप्रेशराइज ड्रेन्ड, इसको भी आपने यस करना है क्योंकि आपने अगर आपकी डिप्रेशराइज ड्रेन कोई लाइन हो सकती है, कोई टैंक हो सकता है, कोई इक्विपमेंट को वेसल हो सकता है तो उसमें इसको आप यस करेंगे तो अंदर डेफिनेटली काम करेंगे। स्टीम वाटर फ्लस्ट अगर आप फ्लस्ट करेंगे ही तो डेफिनेटली अंदर काम करने की इजाज़त मिलेगी, अगर नो करेंगे तो परमिट का बनाने का मकसद ही नहीं। उसके बाद ये एरिया बैरिकेशन रिक्वायर्ड, अगर आपने जो काम करना होगा अगर आपको एरिया को बैरिकेड करना होगा उसको आप बैरिकेडिंग टेप लगा सकते हैं, हार्ड बैरिकेडिंग कर सकते हैं तो उसको आप यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद ऑल कंबस्टिबल मटेरियल रिमूव, अगर आपके उधर कोई कंबस्टिबल मटेरियल पड़े हैं तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद फायर एक्सटेंशन रिक्वायर्ड, यस डेफिनेटली यस, क्योंकि हार्डवर्क हो रहा है तो डेफिनेटली फायर एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद एनी रिक्वायरमेंट ऑफ फायर टेंडर, यस हार्डवर्क हो रहा है तो फायर टेंडर की ज़रूरत होती है लेकिन बट इधर फायर एक्सटेंशन और तो उसी से गुजारा कर लेते हैं तो उसको नो भी कर सकते हैं। उसके बाद एडजेसेंट एरिया सेफ फॉर स्पार्क, आपका एरिया स्पार्क से सेफ है तो इधर आप यस कर सकते हैं। उसके बाद आइसोलेटेड एनी इक्विपमेंट डिटेल, उसके बाद उस आपने लिखते नहीं है आइसोलेटेड एनी इक्विपमेंट, अगर आपने कोई आइसोलेट किया हुआ है तो उसकी डिटेल आप इधर लिख सकते हैं, यहाँ पे यस करके डिटेल लिख सकते हैं नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फायर ब्लैंकेट, अगर आपने फायर ब्लैंकेट यूज़ करनी है तो यस। उसके बाद रेलिवेंट MSDS केमिकल अवेलेबल ऑन साइट, अगर कोई MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट आपके पास है तो उसको आप यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद बी पे आ जाता है रिक्वायरमेंट PPEs, आपकी जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव तो उसको आप देख सकते हैं, कवरऑल हेलमेट सेफ्टी शूज ये तो डेफिनेटली यस है। उसके बाद ग्लव्स आप कौन से यूज़ करना चाहते हैं, फेस शील्ड अगर ग्राइंडर वगैरह या कुछ और आप यूज़ कर रहे हैं वेल्डिंग वगैरह तो आपको फेशियल जरूरी है। उसके बाद हार्नेस अगर आप वर्क का टाइप हैं तो हार्नेस जरूरी है, अगर आप ग्राइंडर चला रहे हैं तो एयर प्लग जरूरी है, कनोपी अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं लाइव प्लांट में तो कनोपी ज़रूरी है, गम बूट्स अगर आप किसी पानी वाली जगह पर डीप जाके करते हैं तो गम बूट जरूरी है, उसके बाद फर्स्ट एड बॉक्स अगर आपका फर्स्ट एड बॉक्स जरूरी है साइड पर होना। उसके बाद अदर अगर आपको कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो अदर में आप लिख सकते हैं।
उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर सी पे, गैस टेस्ट। गैस टेस्ट अगर रिक्वायर्ड डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, आप हार्डवेयर कर रहे हैं तो गैस टेस्ट रिक्वायर्ड है। तो उसके बाद ये टेस्टेड मटेरियल सेफ लिमिट आ जाती हैं, ये हमारी कुछ गैसेस लिखी होती हैं, इसके अलावा भी लिखी हो सकती हैं, बस मैंने जस्ट ये लिखी हैं। उसमें सेफ लिमिट इन्होंने बताई है, ये सेफ लिमिट इन्होंने बताई है ऑक्सीजन की, अमोनिया की, H2S की, CO की, SOX की, क्लोरीन की। तो इसमें आ जाती है, तीन शिफ्टें आ जाती हैं, हर शिफ्ट में आपने अपनी LEL लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट आपने लिखना होता है जो कि 0% है। उसके बाद आपने ये लिखना होता है ऑक्सीजन की जो है 19.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद अमोनिया की 25 ppm से कम होनी चाहिए, उसके बाद 10 ppm इसकी जो है सेफ लिमिट है। तो आपने इसी की रेंज में रहना होता है, ये सारी इसकी सेफ लिमिट लिखी हुई है, सेफ लिमिट के अंदर ही रहना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये सेफ है तो इधर वो अपने जो है ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी या इनका जो होता है ऑपरेशन का ऑपरेशन या आपके क्लाइंट कोई भी हो सकता है तो वो आप इधर साइन कर देगा। अगर उसकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन होगी तो वो आपको यहाँ लिख देगा। फॉलो अप जॉब, जो बंदा फॉलो करेगा जॉब को वो अपना इधर डेजिग्नेशन नेम साइन वगैरह जो भी है वो कर देगा। उसके बाद ऑरिजिनेटिंग अथॉरिटी में आ जाती हैं, ये साइन आ जाते हैं क्योंकि तीन शिफ्टें होती हैं, दो भी हो सकती हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में मोस्टली दो ही होती हैं और लाइव प्लांट्स वगैरह में वो तीन ही होती हैं। तो उसमें आप ये साइन कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर वो अपने जो भी है उनका एक ऑपरेशन इंजीनियर होगा, आई हैव इंस्पेक्टेड दिस साइट एंड इट इज़ सेफ फॉर वर्क टू स्टार्ट। तो यहाँ पर उसने सेव कर दिया वर्क को स्टार्ट, और अगर लिखा हुआ इसके बाद एंड और हैव नो इंस्पेक्टेड द साइट बट एक्नॉलेज द वर्क, अगर आप उसने लिखा है ज़रूरत नहीं है साइट पे जाने की तो मुझे एक्नॉलेज है इस वर्क का, तो यहाँ पर वो अपना जो है सिग्नेचर नाम लिख देगा। उसके बाद ये आ जाता है हैज़र्ड कम्युनिकेशन में आ जाता है, इसमें आ जाती है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो होती है क्लाइंट का बंदा होता है, क्लाइंट में से कोई होता है, यहाँ इनमें ऑरिजिनेटिंग अथॉरिटी के बाद एक एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होती है जो ऑलरेडी प्लांट पे होती है, यानी कि कमीशनिंग का कोई हो सकता है इंजीनियर, और उसके बाद सॉरी ये कमीशनिंग का कोई इंजीनियर हो सकता है या फिर आपका जो है क्लाइंट में से लाइव प्लांट का कोई भी आदमी हो सकता है। तो वो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी पे वो साइन कर देगा, उसके लास्ट पे परफॉर्मेंस साइन करता है जो जॉब को एग्जीक्यूट कराता है, ही फुली अंडरस्टैंड द जॉब कंडीशन, परफॉर्मर साइन, कॉन्ट्रैक्टर नेम, कॉन्ट्रैक्टर का नेम और अगर उसका कोई डेजिग्नेशन वगैरह कुछ भी वो लिख सकता है यहाँ पे। उसके बाद ई पे आ जाता है कंप्लीशन, कंप्लीशन में आ जाती है हार्ड वर्क कंप्लीटेड, हाउसकीपिंग डन, परमिट कैंसिल, अगर परमिट कैंसिल है तो कैंसिल हो जाता है, हाउसकीपिंग डन, ये कुछ और भी ऑप्शन लिखे होंगे, जस्ट मैंने ये तीन लिखे हैं। तो रीज़न आपने लिख देनी है, रीज़न किस रीज़न के लिए कि टाइम ख़त्म हो गया, ये जो भी आपकी रीज़न होगी वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी और जनरेटिंग अथॉरिटी डेट टाइम यहाँ पर लिख के आपका परमिट कैंसिल कर देंगे, और टाइम परमिट जो लास्ट पे है इसका सबसे बेनिफिट ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका ज़्यादातर लोग नहीं फील करते फील्ड में, तो ये है सीरियल नंबर। इधर आप एक दो जितने भी परमिट टाई इन करने हैं, उसके बाद डेफिनेटली आपने देखा है कोल्ड हार्ड वर्क लिया है आपने, इसके साथ कोल्ड वर्क लिया होगा, उसके बाद आपने इसे रोड क्लोजर का लिया है या आपने कोई कन्फाइंड स्पेस का परमिट लिया है तो वो आपने यहाँ पर टाई इन करना होता है। तो इधर आपने उसके सीरियल नंबर लिख दिया, उसके बाद टाइप ऑफ परमिट जो आपने परमिट इसके साथ टाई इन करना है उधर आप टाइप लिख देंगे, कोल्ड वर्क है, कन्फाइंड स्पेस है, जो भी है वो आपने यहाँ पर उसने लिखना है। उसके बाद यहाँ पर परमिट नंबर, ये परमिट नंबर कौन सा होगा ये देखिएगा, ये परमिट नंबर ऊपर पे लास्ट पे कॉर्नर पे लिखा होगा, तो यहाँ पर परमिट नंबर है ये आपने इधर परमिट नंबर लिख देना। उसके बाद डेट ऑफ इशू, तो यहाँ पर आपने टाइप ऑफ परमिट ये लिख दीजिएगा तो ये आपका परमिट जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद जो है मैंने बताया था कि मैं सब परमिट की डिटेल बताऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कन्फाइंड स्पेस परमिट का बताऊंगा, तो देखिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। चलें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हाफिज़।